नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए, हमारा जो छोटा हुआ था, मैं आप लोगों को बता रहा था, पेपर टू पार्ट बी यूनिट फोर का सोशोलॉजी जो हमारा चल रहा है, सोशोलॉजी का जो अगला टॉपिक था हमारा, उस अगले टॉपिक में हमने देखा था भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे। भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। इसी श्रेणी में जो भारतीय समाज है, हमने देखा था, एक इंट्रोडक्शन देखा था हमने कल, और इंट्रोडक्शन के बाद में हमने एक और चीज़ इसमें देखी है, कि भाई जो भारतीय समाज हड़प्पा काल में, या हड़प्पा कालीन समाज को हमने देखा था, यानी सोसाइटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी जो हड़प्पा कल्चर चल रहा था या सिविलाइजेशन चल रही थी, उसमें हमने देखा था कि एक समाज कैसा था, जिसमें हमने बताया था आपको कि लगभग 4000 से 5000 साल पुरानी एक ये सिविलाइजेशन थी, जो लगभग ये माना जाता है कि जो मदर नेचर है उनकी वर्शिप किया करते थे, शिवलिंग की वर्शिप किया करते थे, सिल्क और कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं या कपड़े होते हैं उनको धारण किया करते थे। उसके बाद जैसे मटर हुआ या सरसों हुआ, इनका वो भोग भी करते थे, जहां से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। स्त्रियों की स्थिति अच्छी समझी जाती थी, यानी एक इस तरह का ये एक समाज था, जो हमारे घर बनाए जाते थे, जो भी हर एक चीज बनाई जाती थी, बड़ी विस्तारित रूप से थी, यानी एक व्यवस्थित रूप से थी। विस्तारवादी तो था लेकिन व्यवस्थित रूप से थी। जहां हम एक और बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा कालीन समाज एक शहरों में निवास करने वाली थी, लेकिन इसके जैसे ही पतन प्रारंभ होता है, इसका माना जाता है पतन का कारण के हो सकता है आर्यंस यहाँ आए हैं और आर्यंस ने इन लोगों को मारा है, यानी लगभग मोहनजोदारों में जो शमशान मिला है, उसमें माना जाता है 40 से 45 जो कंकाल मिले हैं, स्कल्टन्स मिले हैं, उन स्कल्टन्स में तलवारों के निशान हैं या कट पिट के निशान हैं। तो उस आधार पे हमने जज किया कि भाई ये शायद आर्यंस ने आए और आर्यंस या कोई बैटल हुआ, उस बैटल के कारण यहाँ पे ये संभावनाएं हुई कि ये चले गए या फिर यहाँ पे हार गए, सभी लोग मर गए। दूसरी चीज है कि सिर्फ हड़प्पा से ही मिला, मोहनजोदारो से ही मिला है ये, दूसरे स्थलों से ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो दूसरे यानी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोग रह रहे थे हड़प्पा कालीन में भी। तो दूसरा जो एक सटीक माना जाता है, वो माना जाता है ये लोग पलायन कर गए हों यहाँ से, यानी ये लोग यहाँ से किसी और स्थान पे माइग्रेट कर गए हों, माइग्रेट के जरिए कहीं और चले गए हों, या हो सकता है जो सिंधु नदी है या बहुत सारी उधर रिवर्स हैं, उन रिवर्स में आ गई हो बाढ़, और बाढ़ के कारण ये पूरा का पूरा उजड़ गया। मोहनजोदारो में देखा गया कि वहां पे लगभग, यानी जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पे, एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे, 7 बार बाढ़ आई थी। 7 बार बाढ़ आई, यानी 7वीं बार जो बाढ़ आई होगी, शायद उसके कारण यहाँ के लोग माइग्रेट कर गए हों, या कोई जलवायु कारण रहा हो जिसके कारण ये यहाँ से चले गए हों, माइग्रेट कर गए हों। लेकिन सटीक तरह से माना यही जाता है, यानी अजम्पशन है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, सपोज किया जा रहा है कि हो सकता है चले गए हों। तो इनके जाने के बाद में, इनके जाने यानी हड़प्पा सभ्यता या सोसाइटी को खत्म होने के बाद में, एक और सोसाइटी हमारे इंडिया में जन्म लेती है, जिनको हमने बोला वैदिक टाइम, जिसको हमने क्या कहा, वैदिक कल्चर की हमने इसमें बात की है। अब हम देखते हैं वैदिक कल्चर को, वैदिक कल्चर के बारे में जान लेते हैं कि भाई वैदिक कल्चर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
जब कभी भी हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो लगभग 2500 बीसी में वैदिक कल्चर, लगभग 2500 बीसी ना बोल करके हम बोल सकते हैं कि लगभग 1500 से 1500 बीसी, लगभग 1500 बीसी में जो आर्यंस थे, आर्य भारत में आए, यानी आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ, तो वो हुआ है 2500 बीसी के आसपास। ये एक सटीक रूप से माना जाता है। अब जो आर्यंस आए हैं यानी वैदिक जो टाइम है, वैदिक एरा जो रहा है, वैदिक एरा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। It is divided into two types. First of all, we have to discuss about Vedic. Vedic is divided into two types. First, earlier Vedic, then post, या फिर later Vedic period. पहला आता है अर्लियर वैदिक, दूसरा आता है लेटर वैदिक। जहां पे हम अर्लियर वैदिक में बात करते हैं, अर्लियर वैदिक का मतलब हो गया पूर्व वैदिक काल, और इसको बोल दिया उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और इसको कह दिया हमने उत्तर वैदिक काल। जहां पे हम अर्लियर वैदिक टाइम की अगर बात करें, तो अर्लियर वैदिक को हम ऋग्वेद काल भी कहते हैं, ऋग्वेदा टाइम भी या पीरियड भी कहते हैं इसको, यानी ऋग्वेद काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और जब हम ऋग्वेद काल के भी नाम से जानते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं सोसाइटी इन अर्लियर वैदिक पीरियड। मान के चलते हैं कि जो अर्लियर वैदिक पीरियड था ये लगभग 1500 BC से 1000 BC के मध्य चला है। इसका टाइम कब था, 1500 से 1000 BC के आसपास इसका टाइम रहा है। और 1500 से 1000 BC के टाइम पे ये रहा है, तो हमने इसको इसी बिहाफ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी आज से माने तो लगभग 3500 या 2500 साल पहले इसका वर्चस्व, 3500 साल पहले इसका लगभग वर्चस्व रहा है। अगर हम पूर्व वैदिक बात की करें तो भारत में आर्यों की महत्वपूर्ण जानकारी, यानी आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक यानी कुछ कल्चरल सोर्सेज रहे हैं, वो कल्चरल सोर्स क्या रहे हैं, वो रहा है ऋग्वेद जो साहित्यिक यानी इंफॉर्मेशन ऑफ आर्यंस कहां से मिलती है हमें इंफॉर्मेशन, वैदिक टाइम से ही या वैदिक कल्चर से ही हमें इंफॉर्मेशन इसकी मिलती है, वैदिक टाइम से या यहीं से हमें मिलती है। और यहां से हमने एक चीज देखी है कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का 10वां मंडल था, 10वें मंडल जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, जो 10वें मंडल में क्या आता है, पुरुष सूक्त है, उसमें कहा जाता है, मान के चलिएगा जो ऋग्वेद काल का दसवां मंडल है पुरुष सूक्त में एक चीज कही जाती है। पुरुष सूक्त में माना जाता है कि भाई हमारी जो सोसाइटी थी, जो भारतीय यानी उस समय का जो समाज था वो लगभग चार वर्गों में चार
वर्ण, चार वर्ण में बट गया, चार चार वर्ण में, चार वर्ण में बट गया, जिसमें चार वर्ण में कौन कौन थे भाई, चार वर्ण कौन कौन से है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय जिसमें आ जाते हैं, और इसमें क्षत्रिय, क्षत्रिय इसमें आ जाते हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि भाई देखिएगा, क्षत्रिय देखिए, ये चार वर्गों में हमारा सोसाइटी को बदल दिया गया था। अब भाई हम सोसाइटी के मेनली बात कर रहे हैं, जिसका हमें मालूम पड़ा है, कहाँ से मालूम पड़ा है, तो ऋग्वेद काल से मालूम पड़ा है। जो हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी में, सोसाइटी में जो चार वर्णा थे, चार वर्णा थे, उनके बिहाफ पे ही हमारी जो सोसाइटी थी उसका चलन हो गया। यानी आपने देखा कि भाई जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं, एजुकेशन देने का काम करते हैं, और जो मंत्रास का उच्चारण करते हैं, वो सारे के सारे लोग हमारे सबसे ऊपर कैटेगरी में रखे गए। फिर दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आते हैं, जो क्षत्रिय केवल अस्त्र शस्त्र चलाने का जो कार्य करते थे। और जो चार वर्ण था, हम अर्लियर वैदिक टाइम की बात कर रहे हैं, चार वर्ण जो थे वो चार वर्ण थे एक्शन के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पे थे? एक्शन यानी कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर अपना वर्ण डिसाइड करते थे, कार्यों के आधार पर अपना अपना वर्ण वर्ण निर्धारित करते थे, निर्धारित करते थे, निर्धारित करते थे। किसके आधार पे भाई? वर्णों के बिहाफ पर, चार वर्ण के बिहाफ पर अपना अपना कार्य, अपना वर्ण निर्धारित करते थे कार्यों के बिहाफ पर। और याद रखिएगा, पहले क्या था, केवल कार्यों के आधार पे ही था, इसके अलावा किसी भी आधार पे नहीं था। जो वंशानुगत है यानी मोनार्की वे से अगर हम बात करें तो वो आता है लेटर वैदिक में, लेटर वैदिक में। लेकिन हमारा जो ये सोसाइटी थी, ये कहीं ना कहीं अच्छी थी, ये जो सोसाइटी थी, ये वाली जो सोसाइटी थी, और सोसाइटी कौन सी? वैदिक टाइम में अर्लियर वैदिक की, अर्लियर वैदिक की जो सोसाइटी रही है, वो अर्लियर वैदिक की सोसाइटी हमारे, इसमें जो लोग होते थे, जो भी जनता थी, सिटीजन थे, या पब्लिक हम बोलते थे, जो भी पब्लिक थे, जो भी पब्लिक थी, वो पब्लिक कहाँ पे निवास करती थी भाई? ग्रामों में। कहाँ पे? ग्रामों में निवास करती थी। और इनका जो मुखिया होता था, मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी, ग्रामीणी। मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। यानी विलेजेस, विलेजेस में ये लोग रहते थे, और इनका जो हेड होता था उसको हम ग्रामीणी, ग्रामीणी कह देते थे। और जो ग्रामीणी होता था वो पूरा का पूरा एक हिसाब से बात की जाए तो ये एक संरक्षक होता था, संरक्षक होता था। और याद रखिएगा, जहां हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन शहरों में बसा करती थी, ट्रेड करती थी, और वहीं पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये गाँव में बस रहे हैं। ये कहाँ पे बस रहे हैं? गाँव में। और जब ये गाँव में बस गए हैं, जब ये गाँव में बस गए हैं, तो गाँव में बसने के उपरांत एक और कथन आता है इनके सामने, एक और कथन आता है, एक और कथन आता है कि भाई इनके जो साहित्यिक, या फिर हम बोले कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी फंक्शन होता था, यानी कल्चरल फंक्शन, कल्चरल फंक्शन जितने भी होते थे, या फिर सोशल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल और अदर डिस्कशन, अदर डिस्कशन, ये सारे के सारे चीजें कहाँ होती थी? एक बीच में विद्यालय होता था, विद्यालय या मंदिरों में, विद्यालय या मंदिरों में इनके सभी के डिस्कशन चलते जाते थे। विद्यालयों में और मंदिरों में इनके क्या होते थे? डिस्कशन होते रहते थे, फंक्शंस वहां पे आयोजित होते थे, यानी स्कूल्स और टेम्पल्स में ये सारी की सारी चीजें होती रहती थी। इसके बाद में अगली चीज की अगर हम चर्चाएं करें, अगली चीज की हम बात करें,
तो अगली चीज में हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस समाज में इस समाज के लोगों का मुख्य कार्य इन दिस सोसाइटी All citizens have some actions like farming, यानी इनकी जो sustainable life थी वो किसके ऊपर, agriculture के ऊपर, agriculture या farming के ऊपर dependent थे ये लोग। दूसरी चीज, ये animal husbandry भी करते थे, यानी जंतु पालन भी किया करते थे, और साथ में फार्मिंग का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी किसके ऊपर, कृषि पर आधारित थे, यानी ये लोग कृषि किया करते थे और कृषि के ऊपर आधारित थे। यहाँ की जो जनता थी वो धीरे से क्या, ये लोग व्यापार करने में भी अपनी अभिरुचि व्यक्त करते थे, व्यापार भी किया करते थे, और व्यापार करने के दौरान हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं उस समय के, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं ये धीरे से व्यापार भी किया करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किए जाते थे। यहाँ पे अलग अलग जातियाँ, आपको पता है, अलग अलग जातियाँ अलग अलग वर्ण के बिहाव पर यहाँ पे डिसाइड होती थी। समाज की जो गंदगी दूर करता था वो कौन था, ये सभी को पता है आपको कि भाई जो सबसे नीचे वाला जो शूद्र होता है वही ये सारे के सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया करता था। यहाँ पे देवी और देवताओं को पूजने के लिए, यानी वर्शिप के लिए हवन का आयोजन करवाया जाता था, यानी वर्शिप ऑफ गॉड के लिए किसका, यज्ञ का आयोजन करवाया जाता था। और ये लोग भी मैक्सिमम माना जाता है आइडियल वर्शिप किया करते थे ये लोग भी। और इनकी मान्यताएं थी कि जो सर्वपरि है वो ईश्वर है, और जो हमें, यानी प्रकृति देवी ही इनको, मतलब प्रकृति देवी को ही ये लोग माना करते थे बेसिकली। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही इन्हें हर एक चीज दे रही है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल वर्शिप थी, यानी मूर्ति पूजा का चलन रहा। एक थोड़ी सी मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि भाई एक कल्चर दूसरे कल्चर से विभक्त होता है, यानी एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है। हम अगर हमारे आधुनिकता की बात करें तो आधुनिक जो भारत है, हमारी भारतीय समाज है या भारतीय सोसाइटी है या इंडियन सोसाइटी है, उसमें ये देखा जाता है कि भाई हम लोग आइडियल वर्शिप ही आज भी कर रहे हैं, यानी अलग अलग धर्म अलग अलग रिलीजियन हमारे भारत में रह रहे हैं, उन्होंने हमारे कल्चर को इम्पैक्ट तो किया है लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं किया कि हम हमारी जो मूलता है, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे कल्चर का, वो चेंजेस नहीं हुए, यानी वो चेंज नहीं हुए हैं, वो परिवर्तित नहीं हुए हैं। ऐसी कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर सप्त सेंधव समाज, अगर चलिए थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर भी, क्या रहता है कि यूरोप में जब वर्षा होती है तो वहां के जो लोग होते हैं या वहां की सोसाइटी होती है वो बड़ी हताश और उदास हो जाती है क्योंकि बेमौसम वहां बरसात होती है, और हमारे भारत में जैसे ही बरसात अब प्रारंभ होती है तो भारत के जो किसान है वो बड़े फूले नहीं समाते, बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर भारत का मौसम इतना सुहाना नहीं होता तो अकबर भारत नहीं आया होता, और अकबर के पहले जो आर्यंस हैं वो भारत नहीं आए होते। अकबर भारत का मौसम सुहाना नहीं होता, हमारी जो सप्त सेंधव समाज है उसका भी उदय नहीं हुआ होता अगर भारतीय जो भारत का जो स्ट्रक्चर है या फिर भारत में जो मौसम है वो इतना अच्छा सुहाना सा नहीं होता।
माना ये जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप में जब वर्षा होती है तो वहां के जो लोग हैं वो बड़े हताश उदास हो जाते हैं, और हमारे भारतीय देश के जितने भी किसान हैं वो बड़े खुश होते हैं कि भाई अब हमारा अच्छा समय आएगा। यानी हमारा भारतीय किसान सिर्फ एक ही कार्य करता है, यानी उसके मन में एक ही धारणा रहती है, या फिर इस तरह से बारिश का बेसब्री से इंतजार करता है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं कि जो एक कल्चर है वो दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। यानी जहां हम बात करें, यानी एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग है, वो किस तरह से, मैं एक बहुत अच्छी चीज से आपको समझाता हूं। जैसे हम मानते हैं कि यूरोप के जितने भी निवासी होते हैं, अगर वहां पे वर्षा होती है तो वो लोग बड़े हताश उदास हो जाते हैं कि यार वर्षा हो रही है, लेकिन हमारे भारतीय किसान जो हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं और इंतजार करते हैं। यानी उनके मन की जो धारणा होती है, या फिर हम बात करें अलग से, कि वो लोग इतने ज्यादा खुश होते हैं, जैसे एक महबूब जो रहता है वो अपनी महबूबा को देख करके जितना खुश होता है, उतना ही खुश कौन होता है, बारिश को देख करके हमारा किसान खुश होता है। यानी वहां की सोसाइटी में बारिश को अच्छा नहीं माना, और हमारी भारतीय समाज में या भारतीय सोसाइटी में हमने उसको अच्छा माना, और बारिश वर्षा करवाने के लिए ही ये लोग क्या करते थे भाई, यज्ञ वगैरह का आयोजन किया करते थे, और इसकी शुरुआत तभी से हमारे भारतीय समाज में मानी जाती है। यानी हम अगर बात करें कि ये वाला जो सोसाइटी थी, यानी अर्लियर वैदिक की सोसाइटी है, उसका जो चलन आया है, यानी समाज का जो चलन आया है, वो समाज का चलन केवल सीमित रहा पंजाब तक सीमित रहा है, यानी ये लिमिटेड रहा है पंजाब तक। अगर आगे चल करके इस सोसाइटी की अगर हम बात करें, आगे चलकर इस सोसाइटी की बात करें, तो ये माना जाता है कि ये वाली जो सोसाइटी थी, इसमें जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन बड़ी अच्छी हुआ करती थी। महिलाओं को पुनर्विवाह करने की पुनर्विवाह किया कर सकती थी महिलाएं, पुनर्विवाह मतलब विडो रीमैरिज कर सकती थी। इसके बाद जो दूसरा आता है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन था विमेंस को। इसके साथ साथ अगली चीज जो आती है कि भाई महिलाओं को हर एक अधिकार था, बड़े पोस्ट पर बैठने का अधिकार था, और सबसे बड़ी चीज गंधर्व विवाह का भी उन्हें अधिकार रहा है। किसका अधिकार रहा है? गंधर्व विवाह का अधिकार रहा है। और गंधर्व विवाह का अर्थ है, यहाँ हमने देखा गंधर्व विवाह का भी चलन था, यानी जो महिलाएं थी वो लव मैरिजेस कर सकती थी। अब बहुत सारे लड़कों के दिमाग में आया होगा कि भाई लव करना कौन सा गैर कानूनी अपराध है, तो बेटा पहले पढ़ लो, उसके बाद में आप लोग लव शव और सब कुछ करना। यानी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक छोकरी नहीं मिलेगी भाई तुमको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमने एक टॉपिक पढ़ा वैदिक टाइम, यानी वैदिक कल्चर, अर्लियर वैदिक कल्चर, जिसकी हमने सोसाइटी की बात की कि ना यहाँ की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को सब कुछ आज़ादी दी थी, यानी उनको शिक्षा देने का अधिकार था, यानी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन था, दूसरा गंधर्व विवाह यानी लव मैरिजेस का उन्हें अधिकार था, विडो रीमैरिज था, यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया था कि वो शादियां कर सकती हैं। चौथी चीज ये आती है कि महिलाओं को उच्च पद पर बैठाया जाता था, यानी पूरी तरह से ये वाली जो सोसाइटी थी जो ग्रामों में बसा करती थी, ये कहीं ना कहीं एक सुव्यवस्थित सोसाइटी धीरे धीरे बन रही थी, क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों इक्वालिटी के बेस पे थे। हाँ, पुरुष प्रधान समाज उस समय भी था, यानी पुरुष प्रधान समाज उस समय भी था, लेकिन कभी काफी हद तक हमारी जो विमेन्स थी उनकी कंडीशन सर्वोपरि रही है। अब हम अर्लियर वैदिक के बाद में हम पोस्ट वैदिक की बात कर लेते हैं, पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक हम इसको बोलना उचित समझते हैं, लेटर वैदिक टाइम। अब हम लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं भाई, उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल 1000 BC के बाद से प्रारंभ होता है। इट स्टार्टेड
ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ है, 1000 बीसी में ये स्टार्ट हुआ है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो सोसाइटी थी, यहां पे मैंने आपको बताया था जो ऋग्वेद में ऋग, अगर यहां की मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, यहां के जो ऋग्वेद टाइम था यानी ऋग्वेद के 10th मंडल 10वें मंडल के पुरुषुक्त में आपको चार वर्ण सिस्टम बताया था, चार वर्ण सिस्टम बताया था। और चार वर्ण सिस्टम में जो हमारे अब पहले क्या था लेटर वैदिक अर्लियर वैदिक में, तो अर्लियर वैदिक में हमने समझा जाता था या अर्लियर वैदिक में माना जाता था कि ये बाय एक्शन बिहाफ पर इनका, यानी कोई भी व्यक्ति अपना काम बदल करके अपनी जाति या अपना वर्ण को बदल सकता था। लेकिन इस टाइम से, लेकिन लेटर वैदिक के टाइम से अब ये जो था एक्शन बिहाफ पर ना हो करके यह मोनार्की के बेस पे हो गया, मोनार्की के बेस पे हो गया, यानी वंशानुगत ये चलने लगा, यानी राजशाही के आधार पे चलने लगा। इस समाज में बड़े बड़े नगरों की स्थापना होती है, जो अर्लियर वैदिक था वो केवल पंजाब तक सीमित था, लेकिन ये वाला जो समय आया इसमें राजा महाराजा, उनकी कैबिनेट यानी उनकी काउंसिल, उनकी परिषद का, परिषदों का गठन हुआ बड़े पैमानों पर, और यहाँ का जो समाज था वो बिल्कुल भिन्न हो गया अर्लियर वैदिक समाज से। जहां अर्लियर वैदिक समाज गांव में बस रेन बसेरा करता था, वही ये वाला जो समाज है वो नगरों की ओर बढ़ा और धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को विस्तारित करने लगा। यानी ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो लेटर वैदिक आया, लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि इनका संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में ये लोग क्या करने लगे भाई, निवास करने लगे, सब जगह ये निवास करने लगे, और छोटे छोटे और बड़े बड़े राजतंत्र यहाँ पे स्थापित हुए, चाहे वो चोल चेरी चालुक्य हो, इन सब में ये क्या होते गए हैं, विभक्त होते गए हैं, अलग अलग होते गए हैं। इस समाज के बारे में माना जाता है कि यहाँ की जो महिलाएं थी उनकी कंडीशन अर्लियर वैदिक के टाइम से बहुत ज्यादा नकारात्मक में चली गई, यानी नेगेटिव हो गई थी। जैसे हम बात करें, इनको गंधर्व विवाह यानी लव मैरिजेस की आजादी नहीं थी, इनको बड़े पद पर आसीन नहीं करते थे, ना ही इनको विडो रीमैरिज का कोई भी प्रोविजन था या प्रावधान था। महिलाएं केवल चूल्हा चौकी करने में ही अब निहित होती थी, ना ही ये लड़ाका होती थी, ना ही कुछ। माना जाता है कि यहाँ की जो महिलाएं थी, माना जाता है कि महिलाएं नहीं, यहाँ का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज बन गया था, पेट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ की बन चुकी थी। और जब पेट्रियार्कल सोसाइटी बन चुकी थी तो आप देखते हैं कि जो मेल थे, या फिर हम बोलें कि जो पुरुष था, पुरुष बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सत्ता को धारित किया करता था। आपने देखे हैं 16 जनपद यहाँ पे बने हैं, 16 जनपद यानी यहाँ पे नगरों का आगमन हुआ है, 16 जनपद बने हैं। 16 जनपद के अलावा धीरे धीरे जैसे ही 16 जनपद खत्म होते हैं वैसे ही राजतंत्र यानी मोनार्की स्थापित हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं गुप्ता आ जाते हैं या फिर मौर्यंस आ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे आते रहते हैं। बहुत सारे धर्म भी यहाँ इस समय बने, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, और ये बौद्ध और जैन धर्म का बनने का एक ही कारण था कि हमारे भारतीय समाज में जो वर्ण सिस्टम थी वो बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगी। और बहुत बड़े पैमाने का चलने का मतलब ये अर्थ ये रहा कि जैसे हम बात करते हैं बड़े पैमाने की, तो जो लोग थे वो क्या होते गए भाई, धीरे धीरे भाई हम तो वंशानुगत का काम करेंगे, हम जब एजुकेशन ले सकते हैं तो हम क्यों पोछा लगाने का कार्य करें। तो आप सीधी सी बात है, जो सोसाइटी है वो अब टुकड़ों में धीरे धीरे भारतीय सोसाइटी टूटने लगी। और जब टूटने लगी सोसाइटी तो आपको पता है कि दूसरे जो सबसे नीचे वाला धर्म होगा वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका शोषण होगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में अपना स्थान ढूंढने की कोशिश करेगा। और जैसे ही जैन धर्म या बौद्ध धर्म हुए, उनका सिर्फ एक ही बेसिक मूल मंत्र था कि सभी लोगों को बिल्कुल समानता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और इसीलिए जो हिंदू धर्म के लोग थे
वो हिंदू धर्म के लोग धीरे 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 इन समाजों में विभक्त होने लगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मैं जो लास्ट क्लास होगी हमारे भारतीय समाज की उसमें संपूर्ण चीजों को आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम, बाय बाय।